रुद्रपुर थाना ट्रांजिट कैंप के आजाद नगर में चली गोली। गोली लगने वाले युवक को गंभीर हालत में रुद्रपुर के हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में किया रेफर। रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप के क्षेत्र में एक युवक को गोली लगने का मामला सामने आया। युवक को गोली लगने के बाद रुद्रपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर हालत में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी भेज दिया। सूचना मिलने पर सीओ पुलिस निहार का तोमर थाना ट्रांजिट कैंप के थाना अध्यक्ष भारत सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वार्ता में सीओ पुलिस निहार का तोमर ने बताया कि हमारे द्वारा गोली चलने वाले इस प्रकरण की जांच की जा रही है और युवक को गोली कैसे लगी पूरी तरह से पुलिस के द्वारा जांच के बाद ही सामने आएगा। लगभग 8:30 बजे के टाइम जब पुलिस आई है यहाँ पे, तब हमें पता चला, उसके बाद पता चला है कि यहाँ पे गोली कांड हो गया। अब पुलिस को किसने सूचना दी अभी ये जानकारी? लगभग 4 घंटे बाद पुलिस आई है, मतलब गोली चलने के। गोली तो लोग यहाँ के कह रहे हैं कि 4 बजे चली है, अब कितने बजे चली एग्जिट तो हमें भी पता नहीं है। ठीक है, पुलिस आई उसके बाद जानकारी। एक बड़ा सवाल है कि कुछ दिन पहले उसके सामने ही एक बाप का गला काटा जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर गोली चल जाती है, जिसकी अभी फिलहाल उपचार चल रहा है, उसका इलाज है, लेकिन देखने वाली बात है अपने आप में दोनों बड़ी घटनाएं है। क्या लगता है इस माहौल को देख के? ट्रैफिक जाम में लगातार आप देख ही रहे हो इस तरह से ग्राम बढ़ रहा है, और ये तो बहुत बड़ी घटना है। आए दिन ऐसी घटना हो रही है, कहीं गोली कांड हो जाता है, कहीं कहीं है। अब मुख्य कारण यहाँ पे देख रहे हो नशा बहुत ज्यादा दिख रहा है। अब नशा बिक रहा है तो ऐसी घटना है तो क्या नशे के चक्कर में यहाँ पर गोलीबाजी हुई है क्या? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी नॉलेज में भी नहीं है कि कहाँ ये कब कितने टाइम एग्जिट, मैं नहीं बता सकता। मुझे तो ये भी जानकारी नहीं कि कहाँ पे ये किसने गोली चलाई है, किसके लगी जानकारी नाम पता लगा। विशाल नाम है लड़के का। कारण क्या, गोली में कैसे लगी है, कुछ कारण पता चलता है मैडम? नहीं, अभी कारण कुछ पता नहीं चला, अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं बाकी परिजनों से भी। अभी उसे रेफर किया गया है, तो अभी एक बार हम लोग पूरा जब उसका उपचार हो जाएगा, डॉक्टर से भी मेडिकल ट्रायल ली जाएगी, उसके बाद ही हम कुछ। मैडम, ये घर जो था जिसमें आप निरीक्षण कर रहे थे, किसका घर था ये? उनके पड़ोसी। हाँ, मतलब ये आसपास पड़ोसी ही रहते हैं, तो ये उनके घर आए हुए थे, तभी ये सूचना प्राप्त हुई थी, उसके द्वारा अपने आपको गोली मारी गई है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको देंगे। लगभग कब की घटना होगी मैडम? घर से क्या क्या चीज़ बरामद की गई है? अभी कुछ बरामद नहीं किया गया है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, जो भी सामान मिलेगा उसे आपको बताएंगे। थैंक यू।